नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूपम और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पर। आज काफी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। आज मैं बात करने वाला हूँ होंडा के बारे में। यस, होंडा की सीबी हॉर्नेट का पैटेंट फाइनली लीक हो चुका है। यस, आपको 2020 में गाड़ी देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट में। और इसका जो लुक दिया गया है होंडा की तरफ से वो स्क्रैम्बल पैटर्न में दिया गया है और एक टाइप से बोल सकते हैं रेट्रो लुक पैटर्न आपको दिया गया है। सो फ्रेंड्स, अगर इंडिया में लॉन्च होती है तो इस गाड़ी में क्या रहेगा, स्पेसिफिकेशन कैसी रहेगी गाड़ी, सारी चीज बताऊंगा इस वीडियो में। तो आखिरी तक वीडियो देखना, बिल्कुल भी मत मिस करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है रेड कलर में होगा उसको क्लिक कर देना, ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके जो बेल आइकन उसको भी क्लिक कर देना, नहीं तो कोई वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे आपको। तो दोस्तों, होंडा यूरोपियन कंट्रीज के लिए एक गाड़ी को डिजाइन कर रहा है और उसका जो डिजाइन है वो आपको स्क्रैम्बल पैटर्न में देखने को मिल रहा है। तो इसका जो पैटर्न है वो रिसेंटली इन लोगों ने सबमिट किया है फॉर डेवलपिंग दैट बाइक। रिसेंटली इस पैटर्न में जो गाड़ी है वो चाइना में अगस्त 2019 में लॉन्च किया था, दैट इज CBF 190TR के नाम से। लेकिन इस गाड़ी का एक मॉडल अपने एशियन कंट्रीज के लिए भी लॉन्च होने वाली है। इसका जो लुक दिया गया होंडा की तरफ से पूरा का पूरा आपको रेट्रो और बोल सकते स्क्रैम्बल पैटर्न में देखने को मिलेगा। लेकिन जो लीक हुए है इमेज, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे इस गाड़ी को तो इसका जो इंजन है वो आपको होंडा हॉर्नेट के हिसाब से ही देखने को मिलता है। दैट मींस इसमें जो हार्ट लगेगा वो आपको मिलेगा होंडा हॉर्नेट का 160cc के हिसाब से। अगर ये अप्रैल 2020 के बाद लॉन्च होती है तो इस गाड़ी में आपको BS6 जरूर देखने को मिलता है। जो गाड़ी का जो डिजाइन है ऑलमोस्ट पूरा का पूरा नया देखने को मिलेगा। हो सकता है शायद इसका हॉर्नेट नाम ना हो, कुछ और नाम से लॉन्च हो, लेकिन जो इसका हार्ट होगा वो होंडा हॉर्नेट का ही होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस गाड़ी का जो डिजाइन है वो आपको पूरा का पूरा लगेगा होंडा CBF 300 जो लॉन्च हुई थी वैसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलता है। जो फ्रंट एंड देखेंगे तो वो आपको राउंड हेडलाइट में देखने को मिलेगा विथ LED हेडलाइट, प्लस आपको रियर एंड देखेंगे तो पूरा स्क्रैम्बल पैटर्न में है, सिंगल सीट ऑप्शन देखने को मिलता है, टायर हगर देखने को मिलता है, टायर काफी ब्रॉड देखने को मिलता है, साइलेंसर पैटर्न आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है, ऑन साइड आपको इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिलता है, सिंगल पीस हैंडल बार देखने को मिलता है, प्लस आपको इस गाड़ी में राउंड मिरर्स देखने को मिलता है। ओवरऑल पैकेज देखा जाए तो गाड़ी का काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है। एक टाइप से बोल सकते काफी अच्छा इनिशिएटिव होगा होंडा की तरफ से। अगर वो 160cc सेगमेंट में ये गाड़ी लॉन्च करती है तो पब्लिक्स के पास काफी अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा 160cc सेगमेंट में या 150cc सेगमेंट में। ऐसी कोई बाइक अभी है नहीं, अगर होंडा ऐसा लॉन्च करता है तो बहुत ज्यादा इसका बेनिफिशियल हो सकता है, काफी लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं। एक और चीज आपके इसके लीक्ड इमेज से देख पा रहे हैं, अपसाइड डाउन फॉग देखने को मिल रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी, इस गाड़ी में आपको इंडियन वेरिएंट में टेलीस्कोपिक फोक मिलेगा और पीछे मिलेगा मोनोशॉक एब्जॉर्बर। गाड़ी का डिजाइन की बात को तो साफ साफ आपको CBF 125 के हिसाब से देखने को मिलता है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा फेमस है होंडा की गाड़ी, लेकिन इंडियन मार्केट में अभी फिलहाल तो नहीं है। लेकिन उस पैटर्न में अगर ला रही है होंडा तो काफी अच्छा इनिशिएटिव होगा। इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा हो सकती है लेकिन अभी कंपनी की तरफ से कुछ फाइनल नहीं है, बस अभी लीक हुआ है। लीक इमेजेस के हिसाब से देखा जाए तो होंडा बहुत जल्द अपनी गाड़ियों को लॉन्च कर देता है, ये एक कहा कहित है जो होंडा की तरफ से हमने देखा है पुराने टाइम पे भी। दैट मीन्स ये काफी अच्छी गुड न्यूज है इंडियन मार्केट में। अगर किसी को लेना है रेट्रो लुक टाइप की गाड़ी और 100cc सेगमेंट की बाइक चाहिए तो देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अभी लॉन्च नहीं हो रही है, आपको हॉर्नेट का BS6 मिल जाएगा, लेकिन अभी ये जो रेट्रो लुक वाली बाइक है ये आपको बाद में मिलना स्टार्ट होगी। सारी मैन्युफैक्चरर अभी जो पुरानी गाड़ियां है उसको BS6 करने में लगे हुए हैं। और इस गाड़ी से रिलेटेड और कुछ और न्यूज आती है तो मैं आपको इस चैनल में बताता रहूंगा। सो फ्रेंड, कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन वीडियो? क्या आप लोग ऐसी गाड़ी के लिए वेट करते हैं? क्या किसी को स्क्रैम्बल पैटर्न में बाइक पसंद है तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट, हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, जो मुझे सही लगता है मैं सही में उसमें रिप्लाई भी करता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, न्यू तो सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना। और इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी सवाल सुझाव कुछ भी हो तो प्लीज ये जो इंस्टाग्राम का जो हैंडल देखना है इसको फॉलो करिए। विदिन 24 आवर्स, विदिन 48 आवर्स अगर आपने मैसेज किया तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। टिल देन आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट टीवी, कुछ भी हो सकता है। टिल देन बाय एंड चाओ।